कोर्ट मॉनिटरिंग की कमेटी की उसकी भी क्लियरेंस है और 10 पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उन प्रोजेक्ट पे हम पिछले 1-2 महीने से बहुत तेजी से परसू कर रहे थे केंद्र सरकार में। तो अब आप लोग पहले इस रिपोर्ट का आने का वेट करेंगे या उन पे परसू चलता रहेगा कि उनके? देखिए ये दोनों पैरेलल चलता रहेगा क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस भी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी है, लेकिन उसके बाद नमामि गंगे योजना के तहत उसको रोक दिया गया था, जिसमें सरकार लगातार परसू कर रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2200 मेगावाट के हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर ये लगेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के को देखते हुए अगर परीक्षण करने के बाद ये आता है कि ये पहाड़ों के लिए उचित नहीं है टनल बेस्ड प्रोजेक्ट, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। कॉलोनी में जो पानी का स्रोत फूटा है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है क्योंकि अभी तक सोर्स पता नहीं चल पाया, लेकिन जो सिल्ट भी उसमें आ रहा है तो उसको टनल के सिप से के पानी से उसकी एक कंपरेटिव वो किया जा रहा है एग्जामिनेशन कि अगर वो उस टनल का पानी होगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी बड़े कदम उठाने से प्रोजेक्ट को रोकने से भी पीछे नहीं रहेगी अगर ये लगेगा कि इन टनल्स के कारण। अभी बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी साइंटिफिक जांच के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टनल्स कांग्रेस की सरकार में भी बनी और हमारी सरकार में भी रही, तो किसी केवल एक के कोर्ट में बॉल फेंक देना ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और इस समय सारे विपक्षी दलों को भी चाहिए, सरकार का भी आह्वान है कि सब जो मदद आपदा के समय में लोगों की जा सकती है उसको करना उनको चाहिए बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के। देखिए मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो साधारण भाषा में कहा जाता है अगर इन टनल्स का दुष्प्रभाव पड़ा है तो आपसे मैंने कहा सरकार किसी भी कदम को उठाने से गुरेज नहीं करेगी, प्रोजेक्ट को बंद कराने का निर्णय भी सरकार ले लेगी। देखिए व्यक्तिगत राय सबकी हो सकती है, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान में अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन असलियत जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ही बता पाएंगे ये। इसके लिए मैं समझता हूँ मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मेरी अपनी अनुभव के आधार पर मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उसी बात पर फोकस किया जाएगा जो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति की परीक्षणोपरांत रिपोर्ट आएगी। रेलवे वालों की बैठक बुलाई थी और उनसे प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने का उनको निर्देश दिया गया था, क्योंकि ये जो टनल बन रही है उसमें ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से कहीं ना कहीं पहाड़ों पर आसपास उस पर्टिकुलर इलाके के पहाड़ों पर उसका क्रैक्स आ जाते हैं, जिन क्रैक्स पे बरसात में पानी रिसने के कारण या जो उससे जब ब्लास्ट हो रहा है तो ब्लास्ट से जो आवाज़ आती है, ब्लास्टिंग का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आसपास के पहाड़ों में पड़ता है, मकानों में पड़ता है, तो उसको उसका भी वो लोग परीक्षण करा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा क्योंकि तो मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है, उस पर लगातार मैं भी मॉनिटरिंग करता हूँ और लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ, और इसमें जो बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा वो मैं लोगों को किया जाएगा। पड़ रहा है ये धमाकों से, पड़ रहा है ये पहाड़ों के हिलने से, पड़ रहा है कहीं ये क्रैक से, पड़ रहा है ये लीकेज से, पड़ रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। ये बढ़ाने की जहाँ तक बात है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र एक एमरजेंसी बैठक कैबिनेट की बुला रहे हैं, जिसमें इन अनुग्रह राशि की को बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि राज्य अपने संसाधनों से जो आपदा के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भारत सरकार के होते हैं, उनमें सरकार टॉपअप करेगी ताकि लोगों को हम अनुग्रह राशि में बढ़ा सकें, उसको बढ़ोतरी उनको दे सकें। अब ये डेट क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रियोरिटी है, मुख्यमंत्री तय कर लेंगे, लेकिन ये एक आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। सवाल ये है कि निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि जब कोई फोड़ा होता है तो फोड़े के इलाज करने की बजाय हम लोग नासूर बनने का इंतजारी करते हैं, इसमें ये गलतियाँ तो हुई हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए और ताकि शुरुआत रहते हुए ट्रीटमेंट किया जा सके और भविष्य में ये विकराल रूप न ले लें। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस तत्पर हमारी सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस पर काम किया, हर जगह अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं वर्ल्ड वाइज,
और बकायदा विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद जो कुल मिलाकर के 678 मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पर दरारें आई हैं और जिनमें 81 मकानों में जो ज़्यादा दरारें हैं उनको तत्काल होटल्स में और सरकारी गेस्ट हाउस में भी भेजने का काम किया गया और जो नियम हैं आपदा के 5,000 रुपये अनुग्रह राशि वो उनको दी गई और 4,000 रुपया किराए का अनुमन्य किया कि ताकि कोई अगर मकान में जाता है तो उसको 4,000 रुपये महीना किराया सरकार देगी जब तक उनको विस्थापित न कर दिया जाए। विस्थापन पर कार्य किया जा रहा है और विस्थापन के लिए पीपल कोटी और गौचर में ज़मीनें ढूंढ ली गई हैं और उनकी भी क्योंकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियाँ ना हो उनकी भी भूगर्भीय जाँच कराई जा रही है उन ज़मीनों की ताकि भविष्य में कोई विस्थापित को दोबारा विस्थापित करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए बिल्कुल भूगर्भीय दृष्टि से पूरी तरह साउंड होने के बाद उनके विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।